नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर वन न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थर्ड ऑप्शन पर सोमवार को होगा फैसला, पेंशनरों को कैबिनेट ही देगा खुशखबरी। 1,75,000 पेंशनर्स को नए वेतनमान का फायदा, डीए पर सीएम से चर्चा के बाद होगा फैसला। हिमाचल के 1,75,000 पेंशनर्स को अब वेतन आयोग की खुशखबरी कैबिनेट ही देगी। रिवाइज्ड पेंशन रूल्स का मामला अब कैबिनेट में जा रहा है। शनिवार को भी पेंशन रूल्स पर सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बैठक ली। हालांकि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आगामी सप्ताह नहीं बन पा रही है। पहले मुख्य सचिव प्रदेश से बाहर है और फिर दो छुट्टियां भी इस सप्ताह में है, इसलिए सोमवार 14 फरवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में ही बैठक होगी। इसमें पेंशन रूल्स का मामला जाएगा। इसके साथ ही एनपीएस कर्मचारियों के लिए 2009 से पहले की अधिसूचना जारी करने पर फैसला होगा। इसके तहत उन एनपीएस कर्मचारियों के परिवारों को पुरानी पेंशन के हिसाब से पेंशन मिलेगी जिनकी मौत 2003 से लेकर अब तक हुई है। हादसों में दिव्यांग हुए कर्मचारियों को भी ये लाभ मिलेगा। पेंशनर भी बड़े लंबे समय से नए वेतनमान की मांग कर रहे हैं, इसके लिए फाइल अब तैयार हो गई है। नए पेंशन रूल्स पंजाब पे कमीशन की बजाय सेंट्रल पेंशन रूल्स के हिसाब से बन रहे हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पहले 28% डीए दिया था जब वेतन आयोग यहां लागू किया गया था। इसके बाद 3% डीए अलग से दिया गया है। हालांकि इसकी अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, ये भी अभी जारी होनी है। लेकिन पेंशनर्स को डीए की जगह डीआर यानी के महंगाई राहत मिलेगी। ये कितनी होगी ये अभी मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद ही तय होगा। दूसरी बात ये भी है कि हिमाचल सरकार ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को अलग से पेंशन बढ़ोतरी देती है, उस व्यवस्था को जारी रखा जाएगा या नहीं ये फैसला कैबिनेट ही करेगी। पेंशनर्स को एरियर कर्मचारियों के साथ मिलेगा या अलग से, इस बारे में भी फैसला कैबिनेट में ही लिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन पर होगा फैसला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार को शिमला लौट रहे हैं। इसके बाद वित्त विभाग ये फैसला लेगा कि कर्मचारियों के थर्ड ऑप्शन पर ऑर्डर कब जारी करना है। इस बारे में सीएम ने ऐलान 25 जनवरी को किया था। उधर गुणांक का विकल्प देने के लिए कर्मचारियों के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। ऐसे में तीसरे विकल्प पर जल्द फैसला लेना होगा। इस बारे में वर्कआउट हो गया है और अब सीएम की वापसी का इंतजार है। इसके बाद कैबिनेट बैठक से पहले ही ये आदेश जारी हो जाएंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और वीडियो के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।